नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली के दौरान कौन कौन से राजाओं ने दिवाली का आयोजन किया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिवाली का त्यौहार जो है, इतिहास में कौन कौन से राजाओं ने जो है इसका आयोजन किया था, उसमें भगवान राम थे, अशोक सम्राट थे, राजा हर्षवर्धन थे, मुगल बादशाह था, महाराजा रणजीत सिंह थे। तो जो है भगवान राम के आयोजन हुआ था अयोध्या में, जब वो रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे तब अयोध्या के लोगों ने श्री राम जी के आगमन पर पूरी नगरी में जो है दीप जलाए थे, और तब से दिवाली का आयोजन किया गया है। सम्राट अशोक ने जो है दिवाली का आयोजन किया था और एक महत्वपूर्ण त्यौहार इसे बनाया था। राजा हर्षवर्धन ने दिवाली का आयोजन किया था और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्यौहार इसे बनाया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी दिवाली का आयोजन किया था और आयोजन करने की बाकी लोगों को भी इसमें जो है इसकी जो है इन्होंने परमिशन दी थी, मतलब उन्होंने जो है इसका हुक्म दिया था कि दिवाली मना सकते हैं भारत के लोग ऐसा। और महाराजा रणजीत सिंह ने भी दिवाली का आयोजन किया था और एक महत्वपूर्ण सिख त्यौहार इसे बनाया था। इन राजाओं ने दिवाली को आयोजन किया और एक बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक और धार्मिक त्यौहार का महत्व इन राजाओं ने बढ़ाया था भारत में। तो इस तरह से कुछ राजाओं ने और जो हिंदू राजा थे भारत में, उन्होंने हर अपने अपने त्यौहार काल में जो है दिवाली के महत्व को बढ़ाया है, सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाया है, और अपनी जनता के साथ मिलकर जो है बहुत सारे राजाओं ने दिवाली का त्यौहार मनाया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।